करें तो यहाँ पर एक रिकॉर्ड रहा है कि भाजपा और कांग्रेस के अलावा कोई तीसरा दल उभर कर नहीं आया राजनीति में, तो आपको लगता है कि आम आदमी के लिए किसी तरह की चुनौती होगी? यही जो आप डिट्टो यही सवाल दिल्ली के लिए भी लागू था। दिल्ली में भी कांग्रेस भाजपा के अलावा कोई नहीं था, क्योंकि दिल्ली में भी कोई ईमानदार विकल्प नहीं था। ये देश की स्थिति आज आके खड़ी हुई है। जहां पर भी ये कांग्रेस भाजपा ने अपनी जड़ें जमा ली, वहां पे ये किसी को उभरने नहीं देते। लेकिन आम आदमी पार्टी एक ईमानदार विकल्प है, और देश की राजधानी में इन्होंने पूरी कोशिश कर ली हमको बर्बाद करने की, हमको कैसे भी खत्म करने की। आज सत्ता बन गई है, तब भी हमारे एक हर दो दिन बाद विधायक एक जेल में होते हैं। तो इसलिए ईमानदार विकल्प की जनता को जरूरत है, और आम आदमी पार्टी एक ईमानदार विकल्प है, एक नॉर्मल विकल्प नहीं है। पिछली बार जब आपके राज्यसभा सांसद गुप्ता जी यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में जो इलिटरेसी लेवल है वो 97% है, जबकि अगर हम गवर्नमेंट रिपोर्ट्स की बात करें तो वो 27% का आंकड़ा कहता है। तो ये आंकड़े आप कहाँ से लाते हैं? मुझे अभी वो मैंने वाइट नहीं देखी है, लेकिन मोटी बात समझिए, सरकार के पास आंकड़े होते हैं, जनता को आंकड़ों से कब तक खेलते रहेंगे जनता के साथ? जनता को चाहिए जो मुद्दे हैं उन मुद्दों का समाधान। दिल्ली में आज हमने जो चुनाव लड़ा, जो मुद्दे रखे, आज की तारीख में हमने उनका समाधान किया है, और इतनी विपरीत परिस्थिति में किया, वो तो पूर्ण राज्य भी नहीं है। छत्तीसगढ़ तो पूर्ण राज्य है। अगर छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनेगी तो जितनी गति से हम वहाँ काम कर रहे हैं, उससे दुगनी गति से हम यहाँ काम कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि छत्तीसगढ़ में अगर ईमानदार विकल्प उभर के आता है, जो कि आम आदमी पार्टी है, तो यहाँ पर जनता का हम अच्छी तरीके से भला कर पाएंगे।